हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पार्ट 1 में हमने सारी चीज़ें कर ली थी, ठीक है, ये रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ये सारा कुछ हमारा हो गया था। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी हम लोगों ने कर लिए थे कवर, और मैकेनिकल मेथड, मैनुअल मेथड, क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन, हाँ यहाँ पर हम लोग थे, ठीक है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर तक हमारा खत्म हो गया था, इस वाली एक्टिविटीज से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, मतलब खाद कैसे बनाते हैं, कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। डिग अ पिट, आपको क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है, पिट मीन्स होता है गड्ढा खोदना, है ना। और सुटेबल साइट देख लीजिए, कोई भी फील्ड में, कोई भी मैदान में, अपने ना अपने बैकयार्ड में, अपने घर के पीछे जो खाली जगह है वहाँ भी कर सकते हैं। कवर द बॉटम ऑफ द पिट अप टू 15 सेंटीमीटर थिक विद ड्राई लीव्स, इसके बॉटम को आपने कुछ सूखी पत्तियों से ढक देना है और किचन वेस्ट इसके अंदर डाल देना है, जैसे आपका सब्जियों का छिलका है, लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं घर में खाने पीने की, ठीक है, वो सब आप इसके अंदर डाल दीजिए, किचन का जो भी हमारा वेस्ट होता है, पन्नियाँ वगैरह नहीं डालनी है इसमें, ठीक है। स्प्रे लिटिल वाटर, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़किए, ऑन इट एंड स्प्रेड एनिमल डंग, अब इसके ऊपर जैसे गाय का गोबर वगैरह वो डाल दीजिए, तो फॉर्म अ लेयर ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर थिकनेस, 15 सेंटीमीटर मोटा, इतना थिकनेस इसकी होनी चाहिए, इतना आपको ये कर देना है। रिपीट द प्रोसेस, अब आपको ये प्रोसेस फिर से रिपीट करना है, टिल द पिट इज फिल्ड, जब तक प्रोसेस करना है जब तक ये पिट पूरा भर नहीं जाता। कवर द टॉप लेयर, अब जो ऊपर की लेयर है इसको ढक दीजिए विद द वेट सॉइल, गीली मिट्टी से एंड डंग यानी कि गाय के गोबर से। स्प्रे वाटर ऑन द ऑर्गेनिक वेस्ट, इस ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर आपको थोड़ा पानी छिड़कना है इन द पिट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब थोड़ा बीच बीच में इस पर पानी छिड़कते रहिएगा बस आप। आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स, 3 महीने बाद क्या होता है, द कंपोस्ट विल बी रेडी, अब आपकी कंपोस्ट रेडी हो जाती है। डिस्पाइट एडवांटेजेस, फर्टिलाइजर्स ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस, देखो एडवांटेजेस हैं फर्टिलाइजर, क्योंकि केमिकल वाला होता है, मेन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है, अभी जो गड्ढे में बना रहे थे मेन्योर था, ठीक है, कंपोस्ट जिसे बोल सकते हैं वो था वो, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइज़र जो होता है बच्चों, उसमें केमिकल होता है, और केमिकल अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो वो हानिकारक हो जाते हैं। तो कह रहे फ़ायदे तो हैं लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, दे रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, अब ये सॉइल की, मिट्टी की फर्टिलिटी, उपजाऊपन को जो है थोड़ा कम करते हैं। इफ़ यूज्ड रेगुलरली, अगर आप इन्हें रेगुलरली यूज़ करते हैं, दे ऑल्सो कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, इनसे पानी का और मिट्टी का जो है पोल्यूशन भी हो सकता है। एज एन ऑल्टरनेटिव, अगर हम इसका ऑल्टरनेटिव देखें टू फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश नेचुरली, अब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मिट्टी को अगर आप छोड़ देते हैं ना कुछ टाइम के लिए, तो उसके अंदर खुद ही रिप्लेनिश हो जाते हैं बाय द प्रोसेसिंग वेरियस मेथड, जैसे कि फील्ड फैलो। फील्ड फैलो का मतलब क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स लीविंग द लैंड फ्री, इसके अंदर क्या है, लैंड को आप फ्री छोड़ दीजिए फॉर वन और मोर सीजन्स के लिए टू रीगेन न्यूट्रिएंट्स, इससे क्या होगा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएंगे। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, इसका मतलब है कि आपने एक बार मान लीजिए गेहूं उगाया, और उगाने के बाद फिर उसमें बाद में चावल उगाया, इस तरीके से क्रॉप रोटेशन मतलब आप उसमें अलग अलग तरीके की फसलें उगा रहे हैं, है ना, सीजन के हिसाब से। दिस प्रैक्टिस इज जनरली यूज फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ नाइट्रोजन, इससे क्या होता है नाइट्रोजन रिप्लेनिश होता है, जैसे अगर आप लिगेमिनियस क्रॉप इसमें उगाते हैं तो लिगेमिनियस क्रॉप के नीचे क्या रहता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया आ जाता है, वहाँ रहता है, तो उससे वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन को हवा से लेता है, मिट्टी में घोल देता है, तो इस तरीके से क्या होगा आपकी मिट्टी को नाइट्रोजन वगैरह भी मिलती रहेगी, एंड ऑर्गेनिक मैटर ये सब चीज़ें आराम से मिलती रहेंगी। वापस पड़े क्रॉप रोटेशन को, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ये प्रैक्टिस है ग्रो करने की सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को इन द सेम एरिया में इन सीक्वेंशियल सीजन्स, मतलब एक तरीके से एक सीजन के बाद दूसरे सीजन में दूसरे, तीसरे, मतलब हर सीजन के हिसाब से। दिस प्रैक्टिस इज जनरली यूज्ड फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ये प्रैक्टिस क्यों करते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन रिप्लेनिश हो जाए अच्छे से फॉर ग्रोइंग लिगुमिनियस क्रॉप, एंड एड्स करें ये नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर को मिट्टी के अंदर टू द सॉइल इन सीक्वेंस विद द सीरियल्स एंड अदर क्रॉप्स, मतलब आपको कैसे उगाना है, कभी सीरियल उगाना है, कभी कोई और क्रॉप उगानी है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, देखो समटाइम्स टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड, कई बार क्या होता है दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं हम एक ही फील्ड में उगाते हैं,
दिस मेथड इज कॉल्ड मल्टीपल एंड मिक्सिंग क्रॉपिंग. अब इस मेथड को हम कहते हैं मल्टीपल या मिक्सिंग क्रॉपिंग, है ना, मिक्स्ड क्रॉपिंग, या हम जो है एक साथ ही अलग अलग फसलें उगा रहे हैं. द क्रॉप्स टू बी ग्रोन टुगेदर आर चूजन इन सच अ वे, इस तरीके से क्रॉप्स जो हम उगा रहे हैं वो चुनी जाती हैं दैट द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द क्रॉप हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ द अदर. मतलब एक का वेस्ट मटीरियल दूसरी क्रॉप को ग्रो करने में मदद करे, वो इस तरीके से उगाया जाता है. ठीक है, आगे आते हैं. इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन मतलब खेत में पानी डालना, है ना, सिंचाई करना जिसे बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स इन द फील्ड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्रॉप को पानी देते हैं इन द फील्ड एंड एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग इंटरवल्स पर, जैसे सुबह पानी लगाया फिर शाम को पानी लगाया, इसको सिंचाई करना यानी कि इरिगेशन कहलाता है. इन इंडिया, भारत में फार्मर्स के नॉट डिपेंड ऑन रेन फॉर इरीगेशन. भाई भारत में जो फार्मर्स हैं वो डिपेंडेंट नहीं रह सकते रेन पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर जगह हर टाइम पर रेन हो, बिकॉज इट मे नॉट रेन व्हेन द क्रॉप्स रिक्वायर वाटर. ये बहुत संभव है कि जब क्रॉप को पानी चाहिए तो भाई रेन ना ही हो, रेन तो भगवान के हाथ में. टू गेट अ गुड प्रोड्यूस, अगर आपको अच्छा प्रोड्यूस चाहिए तो क्रॉप्स नीड टू बी इरीगेटेड प्रॉपरली. तो फसल को आपको बहुत अच्छे से प्रॉपरली जो है इरीगेट करना होता है, आपको उसकी सिंचाई करनी होती है. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन, मतलब आप कब कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो, ये डिफ़र होता है फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, मतलब फसल फसल पर डिपेंड करता है कि भाई आप जो हैं भाई कब कब जो हैं फसल को जो है पानी डाल रहे हैं, मतलब किसी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए तो किसी को कम पानी चाहिए. द वेरियस सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर वेल्स, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज क्या हैं, जैसे कुएँ हैं, पॉन्ड्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, डैम्स हैं. अब इनके ज़रिए जो है पानी दिया जाता है. मेथड्स ऑफ इरीगेशन, तरीके, ट्रेडिशनल मेथड यानी कि जो पुराने टाइम में लोग यूज़ करते थे. देखो इरीगेशन कैन बी डन बाई ट्रेडिशनल मैथड, इरीगेशन को आप पुराने तरीक़ों से भी कर सकते हो, जैसे देखली, राहत, मोट एंड चेन पम्प, अलग अलग आपको दिखा भी रखा है. देखो ये दिखा रहे हैं पहले वाले में क्या कर रहे हैं, ये कुएं से पानी निकाल रहे हैं और एक एरिया में डाले जा रहे हैं जिससे नालियां बनी हुई होंगी, खेतों में पहुंच रहा है. चेन पंप ये देखिए यहाँ पे, ये अपने आप ही घूमता रहेगा, पानी लुढ़काता रहेगा इसके अंदर से. देखली में क्या कर रहे हैं ये देखो, कुएं से भी, इसमें भी कुछ कुएं जैसा ही बनाया हुआ है, और राहत में एक एनिमल गोल गोल घूमेगा और वो पानी बाहर निकालता जाएगा. ठीक है, अब ये देखिए मॉडर्न मेथड अब क्या हो गए. दीज मेथड्स ऑफ इरीगेशन आर मोर एफिशिएंट, अब ये जो मेथड है ना आजकल के जो मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं ट्रेडिशनल मेथड्स के मुकाबले. इन दीज मेथड्स, अब इन मेथड्स में क्या होता है, वाटर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फील्ड, पानी को बराबर भागों में बांट दिया जाता है पूरे फील्ड के अंदर. ठीक है, दीज मेथड्स आर जनरली एम्ड एट कंजर्विंग वाटर, अब इन मेथड का एक मेन एम क्या होता है, क्यों करना है, बिकॉज वो चाहते हैं कि भाई पानी की बचत भी हो. जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है पानी कम होता जा रहा है हम लोगों के लिए. सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मैथड ऑफ इरीगेशन आर फॉलोज, मतलब कुछ मैथड आपको दे रखे हैं, जैसे स्प्रिंकलर मैथड है, इसमें क्या होता है फुव्वारा सा बना दिया जाता है खेतों में और थोड़ा थोड़ा जो है पानी जो है इसमें उछलता रहता है, जैसे आप शावर से नहाते हो ना कुछ वैसा ही होता है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मैथड है, ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली इस मैथड को यूज़ किया जाता है. इट इन्वॉल्व, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है इंस्टॉलिंग वर्टिकल पाइप्स, यानी कि लाइन से कुछ इस तरीके के पाइप जो हैं खेतों में लगा दिए जाते हैं और यहाँ पर जगह जगह फुव्वारे लगा दिए जाते हैं, अब इस एरिया तक ये पानी फुव्वारा फेंक सकता है, इस तरीके से लगाया जाता है. अब पाइप लगाते हैं एट इक्वल डिस्टेंस पर विद रोटेटिंग नोजल्स, जिससे नोजल घूमती जाए और पानी जगह जगह फेंकती जाए. द पाइप्स आर कनेक्टेड, पाइप कनेक्ट होते हैं टू द मेन पाइप से, भाई जो सारे पाइप होते हैं वो मेन पाइप से कनेक्टेड होते हैं. सप्लाई करते हैं वाटर अंडर प्रेशर टू बी स्प्रेड, स्प्रे होता है जैसे हम स्प्रे करते हैं ना, छिड़काव जिसे बोलते हैं वो होता है इससे क्रॉप पे थ्रू रोटेटिंग नोजल्स के. दिस मेथड इज कमांडेड रिकमेंडेड फॉर सैंडी सॉइल, ये सैंडी सॉइल के लिए रिकमेंड किया जाता है एंड अनइवन लैंड के लिए भी रिकमेंड किया जाता है. वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पर पूरा सफिशिएंट पानी नहीं मिल पाता तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते हैं, पानी भी बच जाता है और मिट्टी भी गीली रहती है. ड्रिप सिस्टम में बूंद बूंद करके पानी जाता है. ड्रिप सिस्टम दिस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप, इससे क्या होगा पानी ड्रॉप ड्रॉप करके जाएगा नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स में. दिस सिस्टम हेल्प प्लांट्स टू गेट रेगुलर वाटर सप्लाई, अब ये सिस्टम मदद करता है प्लांट्स को कि प्लांट्स में रेगुलर वाटर सप्लाई हो. इट इन्वॉल्व्स नो वेस्टेज ऑफ वाटर.
और इससे क्या होता है, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता पानी का। एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, अब इरिगेशन के फ़ायदे क्या होते हैं, देखो इरिगेशन हेल्प्स सीड्स टू जर्मिनेट। इरिगेशन से क्या होता है, जो बीज होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, उनमें उपजाऊपन आता है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल, इसके और भी क्या ज़रूरत है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाए उसके लिए भी तो पानी की ज़रूरत होती है बाय प्लांट्स, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल एंड फॉर द इग्नोएशन ऑफ रूट्स। मतलब एक तरीके से रूट्स को भी तो पानी चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए भी तो हमें पानी लगता ही है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम ड्राई हॉट एयर करेंट्स। अब पानी जो है गर्म हवा का जो करंट आता है उससे भी बचाता है, हमारी क्रॉप की रक्षा करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव इरीगेशन, अब पानी आप बहुत ज़्यादा डाल दो तो भी उसके नुकसान है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड प्लांट्स विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। ये बहुत ज़रूरी है कि पानी जो है वो राइट अमाउंट में हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, राइट अमाउंट होना चाहिए। एक्सेसिव वाटर कैन कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैसे, इफ़ वाटर लॉगिंग अकर्स इन द सॉइल इट इनहैबिट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अगर पानी रुक जाए बीज तो गल जाएगा ना, फिर तो बीज जो है जर्मिनेट ही नहीं हो सकता। रूट्स कैन होल्ड द क्रॉप अपराइट, रूट्स जो होती हैं वो पकड़ नहीं पाएंगी, कैन नॉट होल्ड, क्योंकि बिल्कुल गीली है मिट्टी तो उसमें पकड़नी ही बनेगी, तो रूट्स भी प्लांट को अपराइट मतलब सीधा खड़ा पकड़ नहीं पाएंगी। प्लांट्स विच कैन नॉट रेसिस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स फॉल डाउन। अब जो प्लांट्स जो हैं तेज़ हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो भी गिर जाएंगे, फिर मिट्टी थोड़ी भी सूखी नहीं होगी, बिल्कुल गीली होगी, तो वो पकड़ नहीं बनेगी ना जड़ में। प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए फार्मर्स यूज सेवरल मेथड्स। जो किसान हैं वो बहुत अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं, सम ऑफ विच आर शोन। स्केयरक्रो क्या होता है, एक ऐसा नकली मतलब आदमी सा बना के लगा दिया जाता है जिसमें क्या होता है, जो चिड़िया वगैरह को लगे कि भाई कोई खड़ा हुआ है तो वो आएगी नहीं। This is the image of a human. अब यहाँ पर एक इंसान की इमेज बना दी जाती है from the placed in field. उसको क्या कर दिया जाता है, ह्यूमन फॉर्म को प्लेस कर दिया जाता है मैदान के अंदर, फील्ड के अंदर, एंड दैट कैन कीप बर्ड्स अवे फ्रॉम अ फील्ड, जो बर्ड्स को दूर रखेगी फील्ड से। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, अब पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया जाता है। आफ्टर रिप्लेनिशिंग द सॉइल, जब आप सॉइल को रिप्लेनिश कर लेते हो मतलब उसके अंदर खाद वगैरह सब डाल देते हो, विद एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स हम डाल देते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम डैमेज। अब आपको डैमेज से भी अपनी क्रॉप को बचाना है बाय पेस्ट वगैरह, जैसे इंसेक्ट्स हैं या रोडिएंट्स मतलब जैसे गिलहरी वगैरह आ गया, खरगोश आ गया, तो ये आपकी फसल को खाना चाहिए, उससे हमें बचाना है। माइक्रोब्स एंड फंगस वगैरह से भी बचाना है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए केमिकल सब्सटेंसेस नोन एज पेस्टिसाइड्स आर यूज। अब इस पर्पस के लिए हम केमिकल सब्सटेंसेस डालते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं। पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनियस, मतलब उनके अंदर जहर होता है। इन नेचर दे किल द पेस्ट, वो पेस्ट को मार देते हैं, बट डू नॉट हार्म द प्लांट्स, लेकिन प्लांट को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पेस्टिसाइड्स इंक्लूड्स इंसेक्टिसाइड्स, प्लास्टिसाइड्स में इंसेक्टिसाइड्स मतलब कीड़े मारने की दवाई होती है, किल इंसेक्ट्स करते हैं ये, मतलब इंसेक्ट्स को मार देते हैं। फंगीसाइड्स मतलब ये किल करते हैं फंगी को, फंगाई को मतलब ये किल करते हैं। एंड रोडेंटिसाइड्स जो होते हैं ये रैट्स माइस चूहे वगैरह को भी मतलब जो है ये किल करते हैं। सम कॉमनली यूज पेस्टिसाइड्स कौन से, ये आ जाएगा एग्जाम में, इसको याद कर लो। DDT है, BHC है, मेलेथिन, और आपको कुछ नाम यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, ये जो आपको दे रखे हैं इनको विद स्पेलिंग्स आप याद कर लो, ये सिर्फ आपके पेस्टिसाइड्स के नाम है। वीडिंग की बात करें तो वीडिंग आर अनवांटेड प्लांट्स, मतलब ऐसी घास फूस उग जाती है ना उसको वीडिंग बोलते हैं, दैट ग्रो अलॉन्ग विद क्रॉप प्लांट्स। अब ये जो है क्रॉप प्लांट्स के साथ साथ जो है वो वीडिंग्स जो है अपने आप ही उगती जाती हैं। एंड कम्प्लीट विद द क्रॉप्स फॉर वाटर, और नहीं कम्पटीट करती हैं, मतलब अब देखो अब अनवांटेड है उग रही है लेकिन उनको भी तो पानी चाहिए, तो जो पानी आप अपने पौधे को दे रहे हो वो पानी उसमें से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीडिंग भी ले लेंगी, तो फिर हमारा पौधे का न्यूट्रिएंट वाटर वगैरह सब जो कम हो जाएगा, उसको मिलेगा मिनरल सनलाइट सब कुछ शेयर करेंगी फिर ये। तो एक दो चीज़ें इन्होंने एग्जाम्पल्स बता रखे हैं वीड्स के, ठीक है, एक क्या है हमारा ये अमरंथस और दूसरी हमारी क्या बता रखी है वाइल्ड ओट, ये कुछ एग्जांपल हैं आपको वीड्स के दे रखे हैं। दे नीड टू बी रिमूव्ड, हमें इनको हटाने की बहुत ज़रूरत होती है एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब हम अपने खेत की ना अपने पेड़ों के आसपास से वीड्स जो हैं वो हटा देने चाहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो फिर वही है कि वो उनका न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। तो फील्ड से हटाना ही वीडिंग कहलाता है, वीड्स को फील्ड से हटाना ही वीडिंग कहलाता है। इट कैन बी डन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड आप यूज़ कीजिए और ऐसे हटा सकते हैं। मैकेनिकल मेथड्स, वीड्स आर रिमूव्ड बाय हैंड, हम हाथ से हटा सकते हैं, और बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट्स जैसे खुरपी से हटा लो या फिर हैरा उसे हटा लो, ये तो औजार हैं एक तरीके के, वेपन्स हैं जिससे आप हटाएंगे, ठीक है। केमिकल्स डाल सकते हो उसके ऊपर आप,
तो केमिकल्स में आपका केमिकल्स कॉल्ड वेडिसाइड्स जो हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं रिमूव करने के लिए वीड्स को, है ना, 2,4-D, MCPA, ये सब एग्जांपल है वेडिसाइड्स के, ये भी याद कर लेना, एग्जाम में आ सकते हैं लिखने के लिए. अब बायोलॉजिकल क्या है, इंसेक्ट्स विच आर नेचुरल एनिमी है वीड्स के जो, तो आप क्या कर सकते हो, वो खा लेंगे, उनको डाल दो यहाँ पर, रिलीज़ कर दो अपनी फील्ड में, विच फीड ऑन वीड्स, जो कि वीड्स को खा लेंगे तो वीड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. नेक्स्ट आते हैं हार्वेस्टिंग. अभी फसल तो तैयार हो गई, अब फसल को क्या करना है, काटना है. व्हेन अ क्रॉप इज फुल्ली ग्रोन, जब फसल हमारी पूरी तरह से उग जाती है, द नेक्स्ट स्टेज इज टू कट द मैच्योर क्रॉप. अब नेक्स्ट स्टेज आती है कि भाई आप अपनी क्रॉप को जो है काटें. द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स, आप फसल को काटना, उसको इकट्ठा करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है. इट कैन बी डन मैनुअली, आप हाथ से कर सकते हैं विद अ सिकल, और बाय कोई मशीन से भी कर सकते हैं जिसे हार्वेस्टर होता है. द हार्वेस्टेड ग्रेन इज देन स्टोर्ड, अब आपने फसल काट ली, अब आपको उसे स्टोर करना है. इन केस ऑफ सीरियल क्रॉप्स हार्वेस्टिंग इज फॉलोड बाय थ्रेशिंग, ठीक है, सीरियल क्रॉप्स में हार्वेस्टिंग कैसे होती है, बाय थ्रेशिंग होती है. थ्रेशिंग क्या है भाई, थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स को अलग करना है फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स से, इट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग. इट कैन बी डन मैनुअली, आप हाथ से कर सकते हैं और बाय मशीन से भी कर सकते हैं, जिसे हम थ्रेशर बोलते हैं. अ मशीन कॉल्ड कम्बाइन, एक मशीन जिसे हम कम्बाइन बोलते हैं, इज यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, दोनों के लिए वो यूज़ की जाती है. विनोइंग की बात करो तो फार्मर्स दैट हैव स्मॉल लैंड, ऐसे किसान जिनके पास छोटी लैंड होती है होल्डिंग सेपरेट ग्रेन्स, वो क्या करते हैं, उनके पास वो होल्ड करते हैं सेपरेट ग्रेन्स को फ्रॉम शाफ, ड्रॉपिंग द हार्वेस्ट क्रॉप ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे गिराते हैं उसको एक हाइट से, और जो हवा होती है उसका कवर उड़ा देती है क्रॉप का, और इसी को हम विनोइंग बोलते हैं. ये आपने सिक्स्थ क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है. और द शाफ विच इज़ लाइटर, जो है जो लाइटर शाफ होता है उसका, वो उड़ जाता है, ब्लो अवे हो जाता है कुछ डिस्टेंस पर, वेयर एज जो हैवियर ग्रेन्स है वो डायरेक्टली वहीं गिर जाते हैं. मतलब एक तरीके से आपने चलनी टाइप कुछ लिया, चलनी भी नहीं है, छाछ बोलते हैं आई थिंक इसको, इसमें अपने अपने वो रख लिया सारा ग्रेन. अब क्या होगा कि जो इसमें से गिरेगा, ठीक है, इसको हिलाते जाएंगे हवा में, ऊँचे जगह पर खड़े होकर, जैसे लेडी है तो बहुत ऊँची जगह पर खड़ी होकर ऊपर हाथ करके ऐसे करेगी, तो हल्का चीज़ तो उड़ जाएगी और जो ग्रेन भारी होगा वो यहीं गिर जाएगा. आप स्टोर भी करना है भाई, देखो हमने फसल बना ली, होगा ली, सब कटाई हो गई, अब इसे स्टोर करिए. द हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स नीड टू बी स्टोर्ड वेरी केयरफुली, अब आपने जो फसल काटी है उन फूड ग्रेन्स को आपको बहुत ही केयरफुली जो है स्टोर करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है उन इंसेक्ट्स वगैरह से, पेस्ट से, रोडेंट्स से एंड फंगल डिसीजेस से, कि भाई उन्हें बीमारी ना लग जाए पौधों को. एज मॉइस्चर प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंगई को, द ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन, तो क्या करते हैं ग्रेन्स को धूप में सुखा दिया जाता है जिससे कि उनके अंदर मॉइस्चर ना रहे, मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर वो मतलब ख़राब नहीं होंगी. फिर फाइनली उन्हें गनी बैग यानी बोरो वगैरह में भर दिया जाता है. फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब कुछ फूड आपको एनिमल्स से भी मिलता है, एनिमल कैन ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जानवर भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं फूड के, काउ एंड बफेलो गिव अस मिल्क, गायें और भैंस हमें दूध देते हैं, डक्स एंड हैंस आर सोर्स ऑफ एग्स, डक्स और हैंस हमें अंडे देते हैं, हनी बीज हमें हनी देती है, फिश गोट्स और हैंस मीट वगैरह हमें देते हैं. फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब फूड जो एनिमल्स से मिलता है वो काफ़ी अच्छा सोर्स है हमें न्यूट्रिएंट्स का, मिल्क एग्स एंड फिश आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, मिल्क हैं, एग्स हैं, फिश हैं, इससे हमें काफ़ी प्रोटीन मिलता है. मीट इज़ रिच इन फैट्स, मीट में फैट काफ़ी अच्छा होता है एंड प्रोटीन मिलता है. कॉड लीवर में प्रोटीन मिलता है हमें, मीट में फैट मिलता है और कॉड लीवर ऑयल से हमें प्रोटीन मिलता है जो कि फिश से ऑब्टेन किया जाता है, और इट इज़ रिच इन विटामिन डी. एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल को पालना ऑन अ लार्ज स्केल, यानी काफ़ी सारे एनिमल को आपने अपना पाला हुआ है उसी को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. ऑल डोमेस्टिक एंड यूजफुल एनिमल्स, जितने भी पालतू यूजफुल एनिमल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूट लाइफ स्टॉक. अब लाइफ स्टॉक और डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब लाइफ स्टॉक किसे बोल रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स के ग्रुप को ही बोलते हैं, एनिमल्स जो कि रेस किया जाता है एंड एग्रीकल्चरल सेटिंग टू प्रोड्यूस कमोडिटीज एज फूड दें, वो हमें फाइबर दें, जैसे कोई शीप पाल रहा है, कोई गाय पाल रहा है तो उनसे हमें फूड मिल रहा है, या फिर फाइबर मिल रहा है जैसे शीप से, और लेबर बैल पाल लो तो उससे हमें मजदूरी करेगा खेत में. लाइव स्टॉक आर जनरली रेस्ड फॉर प्रॉफिट, अब प्रॉफिट के लिए ऑब्वियसली हम इन्हें पालते हैं. नेक्स्ट आता है द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग बर्ड्स, जैसे कि चिकन है, डक है, ठीक है, और ये सब किस लिए होते हैं भाई, पोल्ट्री फार्मिंग में होते हैं, अंडे वगैरह देते हैं ये सब. हनी बीज आर रेयर्ड फॉर हनी, हनी बीज को हम शहद के लिए पालते हैं, और रेयरिंग ऑफ हनी बीज को
लार्ज स्केल पर अगर पाल रहे हो तो वो एपिकल्चर कहलाता है. इंपॉर्टेंट है ये, एपिकल्चर, पेसिकल्चर, ये सब पूछा जाता है आपसे. द ब्रीडिंग, हैचिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिश कंट्रोल्ड कंडीशन में लार्ज स्केल पर पालते हो, पिसिकल्चर कहलाता है. एंड दैट्स ऑल, फाइनली हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश. वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. थैंक यू सो मच.